सर आपसे जानना चाहेंगे, मैंने आपको देखा है, जब जब देखा है तो डायरेक्ट करते हुए देखा है, आज मैंने आपको पर्दे पर देखा है, अभिनय करते हुए देखा है, मुझे आपका अभिनय बहुत पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब मैं ये जानना चाहूंगा, मैंने ट्रेलर देखा है, आपने भी देखा है, आपने ट्रेलर देखा और आप तो डायरेक्टर भी हैं और अभिनय भी हैं, आप अपने काम के बारे में बताइए, संतुष्ट हैं देख के ट्रेलर देख के? देखिए एज ए कलाकार जब मैं अपने आप को देखता हूँ, जिस दिन मैं संतुष्ट हो गया उस दिन मैं ख़त्म, फिर भूख मर जाएगी। तो संतुष्ट तो नहीं हूँ, अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि करके मुझे काम बहुत मज़ा आया। इसमें पहली बार मैं कैमरे के आगे था। सर कैसा अनुभव रहा, मैं जानना भी चाहूँगा, और एक चीज़ और साथ में ये जानना चाहूँगा, आप इस वक्त कैमरे के आगे थे, कैमरे के पीछे कोई और जी मतलब डायरेक्ट कर रहे थे और आपके बगल में है, इनके डायरेक्ट में पूरी पिक्चर बनी है, इनके बारे में किस किस तरह का इन्होंने डायरेक्शन किया, कैसा लगा सर? आशुतोष जी बहुत ही सुलझे हुए एक टेक्नीशियन है, सबसे पहली बात तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इनको हर विधा का बहुत अच्छा नॉलेज है, DI, लेंस, कैमरा के बारे में, और एडिटर बहुत अच्छे हैं ये, जिसके अंदर इतनी क्वालिटी हो आप समझ सकते हैं उसको कितनी अच्छी समझ होगी सिनेमा का, और सिनेमा करने का सच पूछे तो हक भी उन्हीं को है जिनके अंदर अच्छा समझ हो, और ये एक बहुत संजीदा राइटर भी हैं, तो एक आदमी के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं तो डेफिनेटली वो अलग ही कुछ करेंगे। इन्होंने ये पिक्चर से शुरुआत की है, मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा काम करेंगे आगे। सर जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा है और मैं ट्रेलर देख के ये अंदाजा लगा रहा हूँ, पिक्चर तो देखी नहीं है, अंदाजा इतना समझ में आ रहा है कि दो पीढ़ियों का इसमें टकराव है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का, कितना जरूरी है इस समय में इस तरह की फिल्म बनाना? एक्चुअली ये आज की सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी बात की है कि जो गैप है लोगों में, सोच में जो फ़र्क आया है, चाहे वो पाश्चात्य सभ्यता से आया हो, चाहे वो आज के इन्वायरमेंट से आया हो, इसको इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे, एक परिवार था, दादा दादी भाई भाभी सारे लोग के साथ रहते थे, और उस वक्त अगर किसी एक को दर्द तकलीफ हो जाए तो कैसा आदमी एक दूसरे के विश्वास करके उसके बल पर रह रहा था। अभी वो चीज़ ख़त्म हो गया, तो उन सभ्यताओं को हम इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से, यानी सिनेमा के माध्यम से कोशिश करते हैं कि लोग उसको समझें। सर आपसे जानना चाहूँगा, एक बहुत समझदार और शानदार डायरेक्टर को कितना मुश्किल था या कितना आसान था पर्दे पे लेके आना, किस तरह कन्विंस किया सर आपने? ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली सब्जेक्ट पर अगर वर्कआउट किया गया रहे तो एज ए डायरेक्टर और एज ए आर्टिस्ट वो उसको अच्छे से प्ले कर पाएंगे और प्रेजेंट कर पाएंगे, और भैया ने हमारी काफ़ी सहायता की, जहाँ मैं फंसा वहाँ इन्होंने हमें गाइडलाइन दिया और हम दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी मेहनत की है, अब जो आएगा वो तो पब्लिक के समझ में आएगा। अच्छा, तो इस फिल्म में इनका आपको एक्टिंग के अलावा और जैसे डायरेक्टर की लाइन कहीं आप फंस रहे थे, तो उलझ रहे थे, तो उसका भी सहयोग आपने? नहीं, सच्चाई ये है कि आशुतोष जी पूरी फिल्म वाकई में खुद की सोच पे ही किया है इन्होंने, एज ए डायरेक्टर वहाँ पे मेरा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इन्होंने ज़रूर कुछ चीज़ें पूछी होंगी, मुझे तो नहीं याद है कि कुछ इसको लेके पूछा है, तो मैं इनका टैलेंट मानता हूँ इसमें, मुझे इन्होंने पूरा सम्मान दिया, बड़े भाई की तरह मानते हैं शुरू से, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि ये बहुत आगे निकले। ही इज़ अ कम्प्लीट मैन, इनको एडिटिंग के, ये मुझे जब समझाते तो मैं इनका चेहरा देखता था कि इनको एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉट्स लेने हैं वो इनके दिमाग में फिक्स रहता था, तो ये कहना कि मैं डायरेक्टर था और इन्होंने मेरी हेल्प की, इनका बड़प्पन ऐसा कह रहे हैं, ये अपने आप में कंप्लीट थे। सर जल्दी शायद ये सिनेमा घरों में आएगी, दर्शकों को लेके आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो परंपराओं की एक गलतफहमी और जो एक दो पीढ़ियों की जो गलतफहमी है होती है आमतौर पर, वो ख़त्म होनी चाहिए। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, मैं क्या जिन्होंने ये ट्रेलर देखा वो भी जानना चाहेंगे,
कि एक डायरेक्टर इतना अच्छा अभिनय कर रहा है, ये और कौन कौन सी फिल्मों में या कोई पाइपलाइन में या कुछ आपके विचार हैं और कुछ मतलब फिल्मों में काम करना, कुछ उस बारे में बताइए सर कि कोई और फिल्म होगी जिसमें जी, आप जी, देखें। जी अभी आशुतोष जी ही फिल्म करने जा रहे हैं और बिल्कुल तन के बैठे हैं कि करना है, तो इनकी फिल्म तो मैं कर ही रहा हूँ। कुछ भोजपुरी फिल्म है जो मैं अभी करने का बातचीत हो चुका है, कुछ किया भी है मैंने, तीन चार फिल्में की भी है, तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लग रहा है कि नहीं ये भी एक मेरा जो फील्ड है कैमरे के आगे जाने का जो एक भूख था जो मर चुका था जो इन लोगों ने ज़िंदा किया है, तो मैं कुछ जो जानता हूँ उसको मैं एक बार ज़रूर प्रेजेंट करूँगा जहाँ तक हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू।